आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है, साकेत वाज रिफरिंग एन इलेक्ट्रिक बेल बाय मिस्टेक, इंस्टेड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट ही प्लेस्ड ए परमानेंट मैग्नेट इन इलेक्ट्रिक बेल, एक्सप्लेन व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व। सो आपको किसने क्या बोला गया, आपको किसने बोला गया है कि साकेत जो है वो किसी इलेक्ट्रिक बेल को जो है रिफेयर करते हैं, एंड बाई मिस्टेक जो वो साकेत जो है वो इलेक्ट्रिक वेल के अंदर जो आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है उसकी जगह आपके जो परमानेंट मैग्नेट जो है वो वहाँ पे प्लेस कर देता है। ठीक है, सो आपको लगेगा कि वहाँ पे जो है क्या चेंज होंगे, क्या क्या चेंज आपने जो ऑब्जर्व करेंगे वो चेंज आपको यहाँ पे बताने। ठीक है, सो देखिए और आंसर। सो यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिखाया गया है एफ का जो इलेक्ट्रिक वेल का एक डायग्राम है। ठीक है, सो यहाँ पे होगा क्या कि इस इलेक्ट्रिक वेल के डायग्राम के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिक वेल की अगर यहाँ पे अगर आप वर्किंग देखो तो इस डायग्राम से आप देखिए देखिए इलेक्ट्रिक वेल की वर्किंग किस प्रकार से होती है कि यहाँ पे इस प्रकार से जो डायग्राम दिखाया गया है आपके पास जो एक तरीके से इलेक्ट्रिक वेल जो होता है उसका डायग्राम है। सो यहाँ पे होता ही है कि आपके पास ये जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। ठीक है, ये क्या होती है आपके पास, ये आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, एंड साथ ही साथ ये आपके पास एक गोंग है, ये आपके पास हैमर है, ये आपके पास जो है आप बोल सकते हो कि आपके पास जो है ये जो है मेटल हैंडल या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पे जो कुछ इस प्रकार से मेटल की यहाँ पे जो लगी हुई जिसके अंदर आपके क्या करंट वगैरह जो यहाँ से फ्लो हो सके। ठीक है, एंड यहाँ से आपके पास जो है एक बैटरी लगी हुई है, बैटरी के साथ साथ आपके पास जो है ये स्विच है। ठीक है, ये आपके पास जो है एक स्क्रू है। ठीक है, सो यहाँ पे होगा क्या, ठीक है, ये आपके पास आर्मेचर है। ठीक है, ये क्या आपके पास आर्मेचर। सो यहाँ पे जैसे अगर आप यहाँ पे स्विच को क्लोज करते हैं इलेक्ट्रिक वेल की वर्किंग के अंदर स्विच को क्लोज करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास जो सर्किट है क्लोज सर्किट बन जाएगा, एंड जैसे सर्किट यहाँ पे क्लोज होगा, क्लोज होते आपको होगा यहाँ पे जो क्या होगा आपके पास करंट फ्लो होगी, एंड करंट फ्लो होती है यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेट जो तरीके से जो है मैग्नेट की तरह यहाँ पे बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, एंड जैसे ही ये मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट करेगा तो क्या करेगा, अब ये जो है आपके पास ये जो आर्मेचर है वो क्या है किसी ना किसी जो है यहाँ पे आप बोल सकते हो किसी ना किसी मेटल का। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट कारण क्या करेगा जो है ये आर्मेचर जो है इस आर्मेचर को जो अपनी तरफ यहाँ पे अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, जैसे ही आर्मेचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो देखिए ये क्या होगा कि ये जो आपके पास हैमर जो है ये आके हैमर जो है इस गोंग से टकराएगा, एंड यहाँ पे गोंग जो है उससे यहाँ से जो है साउंड जो है वो जनरेट होगी। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ होगा क्या, देखिए जैसे हैमर जो है गोंग की तरफ आएगा तो यहाँ पे क्या होगा ये वाले जो ये देखिए ये जो मेटल की ये जो थी आपके पास, ठीक है, मेटल की रोड या फिर आप जो यहाँ पे आपने जो लगा रखा है मेटल का जिस कारण यहाँ से करंट जो सर्किट क्लोज हुआ था, ये रोड भी क्या होगी यहाँ से ये जो स्क्रू जो आपका इस स्क्रू से जो कॉन्टेक्ट में नहीं रह पाएगी, स्क्रू से जो कॉन्टेक्ट यहाँ से छूट जाएगा। ठीक है, और जैसे ही स्क्रू से कॉन्टेक्ट छूटेगा देखिए यहाँ पे अब आपके पास क्या हो जाएगा सर्किट जो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, सो जैसे ही सर्किट क्लोज होगा यहाँ पे आपके पास सॉरी सर्किट क्या हो जाएगा आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्लोज नहीं होगा ओपन हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा स्क्रू जो है वो कॉन्टेक्ट से हट जाएगा, और कॉन्टेक्ट से हटते यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास सर्किट जो है क्या हो जाएगा आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, सो सर्किट ओपन होते यहाँ पे क्या होगा आपके पास जो करंट जो है वो क्लोज हो जाए यहाँ पे नहीं हो पाएगी। ठीक है, और जैसे करंट फ्लो नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे आपको बताया इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो भी जो अपने मैग्नेटाइज नेचर जो है उसे जो है यहाँ पे लॉस कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा ये भी अपनी मैग्नेटाइज नेचर लॉस कर देगा, लॉस करने कारण यहाँ क्या होगा कि ये आर्मेचर जो है फिर से जो है यहाँ से मैग्नेटाइज नेचर लॉस करने कारण यहाँ पे इससे जो अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, और अट्रैक्ट नहीं होने कारण ये क्या करेगा फिर से जो अपनी इनिशियल पोजीशन में जाएगा, और इनिशियल पोजीशन में जाते यहाँ पे क्या करेगा फिर से जो है जैसे इनिशियल पोजीशन में जाएगा ये फिर से इस स्क्रू से टकराएगा, स्क्रू से टकराते फिर से जो आपका क्या होगा यहाँ पे सर्किट क्लोज होगा, एंड फिर से जो आपके पास जो करंट फ्लो होगी, एंड ये प्रोसेस आपके पास जो है यहाँ पे चलती रहेगी लगातार। ठीक है, फिर से जो सर्किट करंट फ्लो होगी इसको जो है फिर से अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट आर्मेचर को, फिर से गोंग टकराएगा, फिर इसे यहाँ पे आपके पास जो है सर्किट जो है वो यहाँ पे जो ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद जो है फिर से पीछे आएगा। ठीक है, ये जो प्रोसेस आपके पास जो है चलती रहेगी। ठीक है, बट अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट की जगह पे ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट की जगह पे अगर यहाँ पे आप जो है अगर परमानेंट मैग्नेट अगर यहाँ पे आप यूज कर लें तो आप देखिए जैसे आप करंट फ्लो करोगे तो यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट के कारण ये जो है आपके पास ये जो आपके पास आर्मेचर जो है वो यहाँ पे अट्रैक्ट तो हो जाएगा, परमानेंट मैग्नेट है वो मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगी, आर्मेचर आपके पास जो है किसी न किसी यहाँ पे मेटल का है तो ये आर्मेचर को अट्रैक्ट तो कर लेगा, बट देखिए जैसे एक बार अट्रैक्ट करेगा तो वहाँ पे वो तो आपके पास क्या परमानेंट मैग्नेट है, तो परमानेंट मैग्नेट कारण क्या करेगा वो जो है यहाँ पे उसे जो अपने पास रख लेगा यहाँ पे अट्रैक्ट करके। ठीक है, वो इसे दोबारा से रिलीज नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे अगर मान लो ये इसने इसको अपनी तरफ खींच लिया तो यहाँ से अगर स्क्रू यहाँ से हट गया कॉन्टैक्ट हट गया कॉन्टैक्ट हटते आपको पता सर्किट ब्रेक हो जाएगा, बट यहाँ पे मैग्नेट अगर आपने परमानेंट लगा दिया देट मीन्स उसके अंदर जो मैग्नेटिक नेचर रहेगा उसे तो मतलब ही नहीं है कोई आपका कि आपने जो यहाँ पे मतलब करंट फ्लो होगी तभी आपके पास जो मैग्नेटिक नेचर आएगा उसके अंदर जो मैग्नेटिक नेचर रहेगा रहेगा तो ये आपका आर्मेचर जो है वो यहीं पर रह जाएगा, वापस जो है पीछे नहीं जा पाएगा, वो जो परमानेंट मैग्नेट है।
और जब इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर क्या होता है कि जैसे आर्मेचर आगे आता है तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट छूटने कारण क्या हो जाता है, यहाँ पे आपके पास जो है यहाँ पे जो करंट फ्लो जो है वो बंद हो जाता है, करंट फ्लो बंद होती है मैग्नेट जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो जो है मैग्नेटिक नेचर जो है वहाँ पे उसका जो है वो क्या हो जाता है आपके पास यहाँ से लॉस हो जाता है। ठीक है, सो यही कारण है कि ये जो है यहाँ पे आपका आर्मेचर जो है वो वापस जो है यहाँ से दोबारा से जो है अपनी इनिशियल पोजीशन में नहीं जा पाएगा अगर यहाँ पे अगर आपने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट जगह परमानेंट मैग्नेटिक अगर यूज किया तो। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।